पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के सामने जिस तरह से खेला और जिस तरह से उसने मैच बचाया, ये सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी पूर्व दिग्गजों सहित पाकिस्तानी मीडिया ने पाक खिलाड़ियों को किस तरह से लताड़ा, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान बुरी तरह से अपने घर में हार रहा है पिछले कुछ महीनों से। न्यूजीलैंड से पहले अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को होम सीरीज में शिकस्त दी। पिछले साल पाकिस्तान अपने घर में एक भी टेस्ट नहीं जीत पाया, जिससे कि पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ियों ने यहां तक कह दिया है कि बाबर आजम खुद रन बनाते हैं उस दिन पाकिस्तान टीम हार जाती है। तो एक मीडिया चैनल ने यह कहा कि पाकिस्तान के कप्तान फिर से सरफराज अहमद को बना देना चाहिए। आपको बताएं कि सरफराज अहमद की बहुत दिनों के बाद टेस्ट में वापसी हुई और उन्होंने आते ही पहली इनिंग में 86 और दूसरी में 53 रन बना करके सभी पाकिस्तानियों को चौंका दिया। मोहम्मद रिजवान के टेस्ट में होने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में बाबर आजम से बेहतर हैं सरफराज अहमद? आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।